जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार, आप सभी का अपना चैनल राज मैथोला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए देखते हैं प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक 625 रुपये की रकम में 80 करेंसी नोट है जो या तो 10 रुपये की या 5 रुपये की कीमत के हैं, तो 10 रुपये के नोटों की संख्या होगी। देखिए टोटल जो मेरे पास रुपया है कितना है, 625 रुपये, और जो नोट की संख्या है 5 रुपये या 10 रुपये के, जो नोटों की संख्या टोटल मिलाकर 80 है। ठीक, तब देखते हैं 10 रुपये या 5 रुपये। अगर हम मेरे पास सभी नोट 5 रुपये का होता तो कितना था, तुलना कर लेते हैं। देखिए अगर मेरे पास 80 नोट जो है और सभी नोट 5 रुपये का होता तो टोटल मेरा पैसा कितना होता है, तो 5 में 80 गुना करते हैं तो कितना आएगा, 8×5=40 यानी 400 रुपये होता, पर दिया कितना 625 रुपया, यानी इससे कितना दिखे 225 रुपया दे दिया है। अगर मेरे पास टोटल जो रुपया है 625 रुपये है, टोटल मेरे पास जो नोट की संख्या है कितना 80 नोट है, और टोटल मेरे पास अगर 5 रुपये का नोट होता है, सभी नोट और 5 रुपये का होता तो 80 में गुना करते हैं कितना गया 400 रुपये, तो यानी 400 रुपये ही होता, पर यहाँ दिया कितना 625 रुपया दिया है। तो इससे बढ़ा किसकी वजह से, और हम 10 को हम तोड़ें तो 5+5 कर सकते हैं, यानी 5+5 तो मेरा मेकअप पड़ गया, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 5 है, तो 5, और पैसे में कितना एक्स्ट्रा आ रहा है तो 225। देखिए जब संख्या निकला है, आइए मेरा मूल है 5 में नोट है और टोटल मिला जो राशि बढ़ा है, नोट की कीमत में कितना वृद्धि हुआ 5 रुपये, और रुपये में कितना बढ़ा है 225, तो इसे भागा करेंगे, यानी इसे 225 में 5 से हम काटते हैं कितना है, 5×20 बचा कितना 2, तो 5×25 यानी 45। जो 10 में नोट की संख्या है, देखिए जो वृद्धि आएगा तो वृद्धि क्या है, जो 12 जो अंतर है, जो 12 वाला इसका इसकी संख्या आएगा, हमको 12 आएगा, 10 पे नोट है तो 10×5 पे इससे अधिक है, और टोटल मेरे पास और नोट की जो संख्या थी 80 नोट है, और टोटल सभी नोट 5 रुपये का होता तो टोटल और जो मेरे पास पैसा कितना रहा है 400 रुपये राशि रहा, 12 ये दिया है कितना 625, यानी इससे 225 रुपये अधिक दिया है, तो किसके वजह से, यानी 10 पे नोट है यानी 5 रुपये इससे अधिक है, तो इससे भाग किए जो 45 नोट 10 रुपये के, और बचा कितना 35 नोट 5 रुपये के हैं, तो पूछ रहा है 10 पे नोटों की संख्या तो 45 नोट। ऑप्शन नंबर बी। आइए भी देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आदमियों की एक समूह को एक कार्य 20 दिनों में पूरा करने के लिए दिया जाता है, लेकिन 12 आदमियों काम पर नहीं आते हैं और बाकी आदमी काम पर को 32 दिनों में पूरा करते हैं, समूह में आदमियों की संख्या वास्तव में कितने थी। देखिए शुरू में जो आदमी उसका हमें मालूम नहीं है, उसको निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं कि शुरू में जो एक आदमी था, अगर एक आदमी को हम काम पर लगाते तो मेरा जो काम है 20 दिन में ख़त्म हो रहा है, अगर शुरू में एक आदमी को लगाते हैं तो मेरा जो काम है 20 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, वही काम मैं काम बराबर है तो, और जो आदमी की संख्या है तो x माइनस इससे 12 आदमी कम आता है तो x के में माइनस से घटाएंगे, जो शुरू में आदमी था उससे 12 आदमी कम है तो वही काम मेरा जो काम है 20 दिन में ख़त्म हो रहा था, अब कितना दिन ख़त्म हो रहा है 32 दिन में, बराबर हो गया। पहले एक आदमी था 20 दिन में काम खत्म पूरा ख़त्म हो रहा था, दोनों गुने के मेरा टोटल काम निकल गया, अब जो आदमी की संख्या है तो पहले जितना आदमी था उससे 12 आदमी कम तो 12 माइनस कर दिए, अब जो पहले 20 दिन में ख़त्म हो रहा था अब कितना दिन में 32 दिन में, दोनों बराबर कर दिए, अब यहाँ काटते हैं 4 से का 5 बार में 8×32 यानी 5x=8x-12×96। देखिए माइनस में है तो इस तरफ प्लस आएगा, इस तरफ ये ले जाकर ये माइनस होगा, तो 8 में से 5 जाएगा कितना बचा 3x=96, 3 से कटा 3×3=9, 3×2=6 यानी x का मान आएगा 32। शुरू में जो आदमी की संख्या 32 है और 32 आदमी को लगाते हैं तो जो मेरा काम शुरू में था और मेरा काम जो है 20 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, अगर 32 आदमी था शुरू में और ये 12 आदमी कम करते हैं तो कितना बचा 20 आदमी कितने दिन खत्म करा 32 दिन में, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो शुरू में आदमी की संख्या पूछ रहा था, आदमी की संख्या क्या है 32 है, ऑप्शन नंबर ए। आइए भी देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, कुछ आदमी एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं, यदि उनमें 8 आदमी और होते तो उस कार्य को 10 दिन पहले ख़त्म किया जा सकता था, तो शुरुआत में कुल कितने आदमी थे। देखिए बस उसी टाइप का प्रश्न है, शुरू में मान लेते हैं एक साथ में लगाएंगे हमको, तो जो मेरा काम है 60 दिन ख़त्म हो जा रहा है, और शुरू में एक साथ में लगाते हैं तो मेरा जो काम टोटल काम जो है 60 दिन में ख़त्म हो जाएगा, यानी पूरा काम निकलेगा बराबर। अब आदमी की संख्या हम 8 बढ़ा दिए, पहले था कितना एक साथ में था, अब 8 और बढ़ा दिए, अब आदमी से एक प्लस 8 हो गया, तो 10 दिन पहला काम खत्म हो रहा था, पहले कितना दिन समय खत्म हो रहा था 60 दिन में, अरे इससे 10 कम करेंगे तो 50 दिन काम खत्म हो जाएगा, दोनों बराबर कर लिए तो 0 0 कैंसिल, तो कितना 6x बराबर 5x प्लस 8 5 40, 6x में और 5 घटाएंगे कितना बचाएगा x बराबर 40। शुरू में आदमी जो संख्या कितना था 40 था, ठीक है, तो शुरुआत पूछ रहा ऑप्शन नंबर ए। आइए भी देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 12 आदमी और 18 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं, यदि एक आदमी 2 लड़कों जितना कार्य करता है तो कितने लड़कों की आवश्यकता होगी जो 21 आदमियों की सहायता से करे, ताकि प्रतिदिन 9 घंटे काम करके उस कार्य को दोगुना कार्य 50 दिन में पूरा करेंगे। देखिए पहले यहाँ दोनों का क्षमता निकाल लेते हैं। देखिए क्षमता दिएगा एक आदमी 2 लड़का जितना 2 लड़का के बराबर काम कर रहा है, 2 बाय के बराबर काम कर रहा है, तो एम बट्टा बी कितना का 2 बटा 1, यानी एक आदमी एक दिन 2 काम कर रहा था, लड़का कितना काम कर रहा है 1 काम कर रहा है, यानी इससे दोगुना क्षमता का है, ठीक है। अब प्रश्न क्या रहेगा, देखिए इसको बनाने के हम एमडीएच फार्मूला अपना सकते हैं, एमडीएच फार्मूला होता है क्या एमडीएच, अब एमडीएच का मसाला का नाम सुने होगा, ठीक है, तो M1 D1 H1 बट्टा W1, सिर्फ W है एक्स्ट्रा जुटा है, एमडीएच मसाला हो गया, W जितना कार्ड है मेरा वो बट्टा में आएगा बराबर M2 D2 और H2 बट्टा W2। एम होता है क्या ये आदमी की संख्या, मेरा कितना काम हो रहा है, डी दिन एच घंटा बट्टा ई वर्क मेरा कितना काम हुआ है, ठीक है, ये आदमी दिन घंटा, इस तरफ दोनों जगह समान आएगा। अब जो देखिए आदमी दिया है क्या, शुरुआत में दिया है 12 मैन प्लस 18 लड़के, दोनों मिलकर का रहते हैं प्लस करेंगे 18 बाय, एम आदमी की जगह कितना हो गया 12 मैन प्लस 18 बॉय, आदमी की जगह एम की जगह हो गया, और घंटा कितना दिया है 7.5 घंटा, तो 7.5 घंटा 15/2 ले सकते हैं 2 गुने, तो समय दिया है 60 दिन, और काम कितना हो रहा है W काम, ठीक है, ये बराबर हो गया। अब जो है 21 मैन, लड़का की संख्या नहीं मालूम है, तो लड़का की संख्या मान लेते हैं एक्स बाय गुण 50 दिन में खत्म हो रहा है 9 घंटा, टाइम है 9 घंटा और समय है 50 दिन बट्टा में, इससे दोगुना काम, तो W की जगह कितना होगा 2W। देखिए बट्टा थी ऊपर 5 थी 2 था तो नीचे आएगा 2, तो 2W 2W ये तो मेरा कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ बचा है, अब एम बाय दोनों अलग अलग है तो यहाँ से मान बैठा लेंगे, तो एम की क्षमता कितना है, एम की जगह 2 और बी की जगह 1 है, यहाँ मान रख लेंगे, तो 12 दून 24 प्लस 18 में गुना करेंगे 18 दोनों जोड़ते हैं 8 4 12 हसल बचा 1 3 4 42, यहाँ 42 भी ले सकते हैं, टोटल मिलाकर 42 काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 21 एम को मान कितना है 2 है, तो 2 से गुना करना कितना है 42, बी के मान 1 है
तब बी के माने कर रखिए तो किसी भी संख्या से एक से गुना करिए तो वही रहेगा तो एक, तो 42 प्लस एक हो गया। अब काटने में आसानी होगा, ये तो मैंने काट गया नीचे जो वर्क है तो 15 बटा 2 था, 2 बटा में आएगा तो 2W 2W ये तो कैंसिल हो गया। बचा कितना, 42 गुना 15 गुना 60, तो एक जुड़ से जुड़ कैंसिल, काटते हैं 3 से तो 3 3 9, 3 6, 3 से 5 15। पाँच से पाँच कट गया। अब कितना गया, 2 42 गुने 2 बराबर 42 प्लस एक्स, तो 42 गुने गुना करते 84। इस तरह प्लस में 42 है तो इस तरह माइनस है, तो 84 माइनस 42 बराबर एक्स। तो एक्स का मान कितना गया, एक्स बराबर 42। तो पूछ रहा का कितना, अगर 42 लड़का हम लगाते हैं तो वही काम इसे दुगुना काम हो जाएगा। 21 आदमी और 42 लड़का लगाते हैं तो 9 घंटा प्रतिदिन काम का 50 दिन में इससे दुगुना काम करेगा। ठीक है, लड़का की संख्या 42, ऑप्शन नंबर डी। आइए भी देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, एक आदमी का औसत खर्च पहले 5 महीने का 1200 रुपये था और अगले 7 महीनों का 1300 रुपये है, तो उसकी हर महीने की औसत आय ज्ञात करें, वह साल में 2900 रुपये बचाता है। देखिए शुरू में एक आदमी, देखिए मान लीजिए हम कमाते हैं शुरू में 5 महीने कमाते हैं, इसका औसत कितना है 1200 रुपये, और बच्चे जो 7 महीने उसका औसत आय कितना है 1300 रुपये। पहला जो शुरू में पहला साल जो है और 5 महीने का हम देखते हैं तो मेरा औसत जो औसत मेरा जो खर्च है 1200 रुपये है और 7 महीने का औसत खर्च कितना है 1300 रुपये है। ठीक है, और टोटल जो हम साल में कितना बचा रहे हैं 2900 रुपये बचा रहे हैं, ये मेरा बचत हो गया, ये मेरा खर्च हो गया। देखिए किसी भी संख्या का औसत दिया रहा है और उसका एक खुला निकालना होता है, तो करते क्या है जो मैंने औसत दिया रहा है तो औसत कितना दिया है 1200, और किस कितना संख्या दिया है 5, यानी 5 महीने दिया तो 500 गुना करेंगे, यानी टोटल हमको कितना खर्चा हो रहा है, और इसका औसत जो 5 महीना का जो औसत खर्च अगर 1200 रुपये है तो टोटल मिला के जो 5 महीने का खर्च कितना होगा 1260, यानी 6000 रुपये 5 महीने में टोटल मिला के 6000 रुपये खर्चा हो रहा है। ठीक है, 7 महीने का औसत खर्चा 1300 है, 1300 गुने 7 तो 1391, 9100 रुपये ये खर्चा हो रहा है 7 महीने में। दोनों जोड़ लेते हैं 15100 रुपये एक टोटल मिला खर्चा हुआ, ये तो खर्चा हुआ बच साल में, ये साल भर खर्चा हो गया और साल में बचा रहेगा 2900, तो 2900 जोड़ लेते हैं तो मेरा टोटल आया निकल जाएगा, तो इसमें 2900 जोड़ते हैं तो 0 0 9 1 10 5 4 9 sorry 5 3 8 9 sorry 2900 है, तो 0 0 9 1 10 5 5 3 8 2 1 हासिल था 3 8 1 18, यानी टोटल मिला के एक साल में हम 18000 रुपये कमा रहे हैं। तो और पूछ रहा कि प्रत्येक जो महीने में जो मेरा औसत आय है उसका आय निकालना है औसत आया, तो किसी संख्या का औसत निकालना होता है, करता क्या जितना मेरा संख्या है उसका योगफल करते हैं और जितना संख्या उसे भाग करते हैं, तो मेरा टोटल मिला का है कितना है 18000 रुपया, कितना महीने में तो 12 महीने, तो 12 से भागा देंगे तो 12 का 12 बचा 6, 12 पचास 60, कितना गया 1500 रुपया, मैं जो औसत मेरा आया है कितना है हर महीना 1500 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।